फुल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे देगा। फुटपाथ का जो स्पेस है ना वो इतना ज्यादा, चार सीढ़ियां इस पे हैं, यहाँ पर मास्किंग कर दी गई है, आने जाने के लिए यही रास्ता होगा। सारा कुछ पेंटिंग वेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं इसे कहते हैं पटना का गंगा पथ, या फिर इसको कहते हैं पटना का मरीन ड्राइव। लेकिन यहाँ से एक कनेक्टिविटी होती है जो कि जेपी सेतु पुल की है, और ये पुल पकड़ करके आप छपरा जाने के लिए रास्ता अपना निकालते हैं। लेकिन छपरा जाने के पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता था, शहर में लगने वाले जाम से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है ना कि आपको छपरा झट से पहुंचना होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वाला एक आरोपी बन करके तैयार हो चुका है, जिसका इंतज़ार बहुत ही पहले से था। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये रिंग रोड का हिस्सा है, और इस सड़क को कई जगहों से जोड़ा जाने का प्लान है। अभी सबसे पहले तो गांधी सेतु तक इसका काम पहुंच चुका है, और उसके बाद उसे दीदारगंज तक जाना है। आपको बताएंगे कि छपरा कितना जल्दी अब पहुंचना आसान हो जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा आप हमारे साथ। अगर इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सूरज देख रहे हैं ना आप, आजकल इंस्टाग्राम पर एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करो भाई, ब्राइटनेस कम करो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आपको ले चलेंगे सीधे वहीं के लिए जहाँ पे अभी जा रहे हैं। गाइस, अभी हम लोग जेपी सेतु के ऊपर आ चुके हैं, और यही वो ब्रिज है कि अगर आप औरंगाबाद से भी आते हैं तो इसी को पकड़ करके पाटिल पथ होते हुए आप छपरा तक जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है पटना में भाई, दो मिनट के लिए अगर बाहर निकलो तो हालत ख़राब हो जा रही है। आपके यहाँ भी अगर ऐसी गर्मी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये देखिए सामने जेपी पुल, अभी हम लोग इंटर करने जा रहे हैं। अभी हम लोग पटना क्रॉस करके आ चुके हैं सारण की धरती पर। ये जो रास्ता है ना, यही रास्ता उसको कनेक्ट करता है, और यही रास्ता होते हुए हम लोग छपरा के लिए निकलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप छपरा जाने वाले हो तो ये वाला आरओबी जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सारण पुलिस लिखा हुआ मिल जाता है आपको भाई। भैया हम लोग अभी वहां पर पहुंच चुके हैं जहां का जिक्र मैं कर रहा था। ये देखिए सामने, यहां से ना आपको ये बैरिकेटिंग मतलब रोड क्लोज मिल जाता है, और इसके आगे से ये ब्रिज जो है ना वो कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। फिलहाल अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। और गर्मी कैसा लग रहा है? गर्मी बहुत बढ़िया है, एकदम सुपर वाला, इससे अच्छा गर्मी होनी चाहिए। हाँ, वो भी तो आगे है, लेकिन उससे जो कनेक्ट करने वाला अप्रोच रोड है ये आप देख सकते हैं, दो लेन और दो लेन, फोर लेन का अप्रोच रोड बना हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी जो है ना ये चालू नहीं है, इसको कुछ दिनों में उद्घाटन के बाद ही चालू किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोनों साइड में बैरियर लगाए हुए हैं ताकि लोग अंदर ना जा सके, लेकिन बाइक वाले लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि उस साइड उनको उतरने में आसानी होती है। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो आपको हाजीपुर छपरा फोर लेन मिल जाएगा, और उसी फोर लेन से आप छपरा के लिए निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो ब्रिज अभी बना है ये इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि पहले आपको छपरा जाने के लिए पटना से आते थे और यहीं से नीचे, जैसे अभी गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ से नीचे उतर करके आगे से ब्रिज के नीचे से टर्न लेते हुए रेल फाटक को क्रॉस करते थे, और रेल फाटक को क्रॉस करने के बाद आपको छपरा वाला रास्ता मिलता था। तो रेल फाटक हमेशा जाम रहने की वजह से वहाँ पर जो है ना लोगों को काफ़ी देर तक रुकना पड़ता था, इसलिए कनेक्टिविटी आसान नहीं थी। अगर हम आपको यहाँ पर और भी दिखाएं तो ब्लैक टॉप कर दिया गया है रोड के ऊपर, मार्किंग वगैरह सारी लगा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टर भी लगा दिए गए हैं, मतलब कि ये रोड पूरी तरह से तैयार है कि इसका उद्घाटन हो और ये लोगों के लिए चालू कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ देखेंगे आप तो बीच में मेडियन है, काफ़ी बड़ा सा चौड़ा सा मेडियन बनाया हुआ है। यही रोड आगे जा करके दो दो लेन में बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको एक ही लेन दिख रहा है। इस साइड में आपको जो रेलिंग्स है उस पर भी पेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, साइन बोर्ड लगाए जाने हैं, और साइन बोर्ड लगाए जाने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको पेंट करके, स्ट्रक्चर जो है इनको पेंट वेंट कर करके तैयार कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द इसका काम पूरा किया जा सके। अब ये नहीं पता कि आखिरकार इसका उद्घाटन क्यों नहीं किया जा रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इसका उद्घाटन हो जाएगा अगर, तो फिर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। यहाँ से हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके आप लोगों को दिखाएंगे धनुष जैसा शेप बना है जो रेल ओवर ब्रिज है, जिसके नीचे से रेल लाइन गुजरती है,
वो कैसा दिखता है। और फिलहाल स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर दी गई है यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी से लोग आ तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से मुड़ करके इनको वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल ये बैरिकेड यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन उस साइड में इसकी बैरिकेडिंग शायद खुली हुई है। चले थे वहाँ से जहाँ से सारी गाड़ियाँ इस नीचे वाले रोड को जा रही है, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है यहाँ पर, कि यहाँ पर फुटपाथ भी बना हुआ है, मतलब कि जो लोग पैदल जाना चाहते हैं वो लोग इस फुटपाथ से होते हुए इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। और इस साइड में ये पुल है, दो लेन इधर है, दो लेन उधर है, और बीच में खाली जगह है। यहाँ से अगर हम नीचे दिखाएंगे आपको, तो देखिए यहाँ से जो सड़क है, इसी सड़क से लोग अभी फ़िलहाल छपरा के लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग इस ब्रिज के बनने के बाद काफ़ी आसानी से गुजर जाएंगे, नहीं रुकेंगे, कोई बात नहीं। बाइक वाले सभी लोग जो है ना इससे गुजर रहे हैं, लेकिन अभी फोर व्हीलर्स इस पर नहीं चल पा रही हैं। यहाँ पे गोस्ट लोगों का बोर्ड भी लगा हुआ था, आप लोग देख रहे थे, और आगे स्पीड लिमिट भी है, और उसके आगे एरो का मार्क भी यहाँ पर बना दिया गया है। मतलब सारे के सारे साइन बोर्ड्स लगभग तैयार हैं, सिर्फ फ्रंट पे जो एक साइन बोर्ड लगता है ना वो अभी नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से और भी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो सड़क है ये कितनी ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होने वाली है। जिस तरफ से गाड़ियाँ आ रही है ना, यही वो रास्ता है जो छपरा के लिए पहुँचता है। काफ़ी ज़्यादा रफ होता है, काफ़ी ज़्यादा इस पर लोगों को परेशानी भी होती है, लेकिन एक फोर लेन उस साइड में बन रहा है जो कि आपको ये वाला ब्रिज से होकर के उस साइड ले जाने वाला है। ये आपको आरओबी का फुल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे देगा। अभी फ़िलहाल इस पर कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, मतलब कोई फोर व्हीलर इस पर नहीं चल रहा है। जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो सिर्फ यहाँ के जो सर्विस में है वही गाड़ियाँ इस पर चलाई जा रही हैं। बाइक वाले निकल रहे हैं क्योंकि उनको निकलने का रास्ता मिल जा रहा है, और रेलवे ट्रैक को पार करने का झंझट भी उनके लिए ख़त्म हो जा रहा है। तो यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर आपको देखने को मिल जाएगा काफ़ी खूबसूरत सा एक ब्रिज जो कि बन करके तैयार है। ड्रोन शॉट में आप देख भी सकते होंगे। तो इसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा थी लोगों में, खास करके सोनपुर के लोगों को ये बहुत ही जल्दी बन जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। और फिलहाल अब आपके लिए बन करके तैयार हो चुका है पटना से छपरा के लिए, यानी कि पटना से नॉर्थ बिहार के बीच की कनेक्टिविटी अब और कहीं नहीं जाने वाली है, और आपको फर्राटा भरते हुए आप पटना छपरा उस पार पहुंच जाएंगे। जो साइन बोर्ड है वो भी यहाँ पर लगा दिया जा चुका है, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, और इस तरह के बहुत सारे साइन बोर्ड यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ब्रिज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, तो इसलिए वैसे ही अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो ये यहाँ पर मास्किंग कर दी गई है पूरे रोड के ऊपर, जहाँ तक भी आप जाएंगे आपको मास्किंग दिखाई देने वाली है। मास्किंग से होता क्या है कि रोड को ज़्यादा ग्रिप मिलती है, मतलब जो गाड़ियाँ इस पर चलती हैं उनको स्लिप करने का, स्केट करने का दिक्कत नहीं होता, और ब्रेकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा उनकी मजबूत हो जाती है। तो पूरे सड़क पर मास्किंग किया गया है। इसके साथ ही साथ ये जो रोड के बीच में जो ये जो लाइट्स होती है ना, ये लाइट भी लगा दी गई हैं, इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे लाइनिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, पेंट वेंट का काम जो है वो भी किया जा रहा है अभी। इसके साथ ही साथ अभी जो इस पर जो दोनों साइड में फुटपाथ से उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो स्टेयर्स बने हुए हैं, उस पर अभी पेंटिंग वेंटिंग का काम जो है वो चल रहा है, वो दिखाते हैं हम आपको। तो अभी हम लोग फुटपाथ पर आ चुके हैं, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ एक्चुअल में ये वो स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं, जिससे उतर करके जो फुटपाथ पर चलने वाले लोग हैं वो नीचे जाया करेंगे, और पुल पर उनको पूरा ऊपर आने जाने के लिए यही रास्ता होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो रेलिंग जिससे बनाई गई हैं उसको पेंट किया जा रहा है। और ये भैया कितने देर में पेंटिंग कम्प्लीट हो जाए, कितने दिन में आप लोग का? 5 से 7 दिन में। उस साइड का पूरा हो गया है? कंप्लीट है, इस साइड का बस बाकी है। एक ही बाकी है। अच्छा, मतलब एक ही बाकी है, मतलब 3 हो चुका है, एक ही बाकी है। एक बाकी है। तो 4 सीढ़ियाँ इस पे हैं दोनों साइड से, मतलब कि रेलवे ट्रैक के उस पार भी और रेलवे ट्रैक के इस पार भी। एक बार मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है ना, इस वाले जो ब्रिज से नीचे उतरने के बाद यहाँ पर 3 लेन का रेलवे ट्रैक आपको मिल जाता है, और किस तरह से इसी स्ट्रक्चर को इस पर माउंट किया गया आप वो भी देख सकते हैं, कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से इसको यहाँ पर माउंट किया गया है। इस ब्रिज के जो इस पे जो पियर कैप, जो पिलर के ऊपर जो कैप लगता है पियर कैप, उसके ऊपर इस ब्रिज को माउंट किया गया, और यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा ब्रिज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक प्रोसेस होता है जिसके बाद ब्रिज को चालू किया जाता है, टेस्ट रन होता है, वो टेस्ट रन कम्प्लीट हो जाएगा तो ये ब्रिज भी चालू हो जाएगा। वैसे जो लोग भी पटना से छपरा जाते हैं या फिर छपरा से पटना आते हैं, उन लोग के लिए ब्रिज कई मायनों में
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फुटपाथ का जो स्पेस है ना वो इतना ज़्यादा है कि आप आराम से इस पर चल सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं। दोनों साइड से चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक एक पार्ट को पेंट कर दिया गया है, सब कुछ को पेंट कर दिया गया, बस ये बचा है इसको भी पेंट करना अभी बाकी है। बाकी आपको रेलिंग्स वगैरह सारा कुछ पेंटिंग वेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो ये सोनपुर वाला ब्रिज अब जो है कि आपके लिए बन करके तैयार हो चुका है, बस उद्घाटन का इंतजार है इसका। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका भाई साहब मिला नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।